नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका JVDJob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पावर कॉर्पोरेशन में निकली हुई भर्ती के बारे में। पावर कॉर्पोरेशन ने हाल ही में ही 2662 पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। सभी नौकरी चाहने वालों को इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया गया है। पात्रता विवरण और आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी जरूरी है और अधिकतम 40 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हो। उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी कि उम्मीदवार ग्रेजुएट होना अनिवार्य है तथा पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते है। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फी भरनी पड़ेगी और जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फी है ₹1000, यानी कि ₹1000, और ऑल अदर कैंडिडेट्स यानी कि ST और SC कैंडिडेट्स को ₹700 फी भरनी पड़ेगी। और जैसे कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD कैंडिडेट्स को कुछ भी एप्लीकेशन फी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू के द्वारा होगी, पर उसके पहले उम्मीदवार को रिटर्न एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। उम्मीदवार अगर सिलेक्ट होता है तो उसको प्रतिमा 5200 से 20000 तक का वेतन मिल सकता है और ग्रेड पे मिलेगा 2600 तक। अगर आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आप लास्ट डेट जरूर जान लें, क्योंकि लास्ट डेट है 12 अगस्त 2017। हमारा आपसे आवेदन है कि जल्द से जल्द इस पोस्ट को अप्लाई करें। और ये पोस्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश के स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए है, तो कृपया ये जान लें कि बाकी स्टेट्स के कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पोस्ट स्पेसिफिक स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए है। और पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर और ऑफिस असिस्टेंट। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए बहुत ज्यादा पैमाने पे जॉब है, यानी कि आप देख सकते हैं 2402 पोस्ट की वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। और पावर कॉर्पोरेशन एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है जो गवर्नमेंट के साथ काम करती है और बहुत अच्छे जॉब रखती है। और यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के बहुत से राज्यों में बिजली प्रोवाइड करने की काम करती है। और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका होता है और पे स्केल भी अच्छी खासी होती है। अगर आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को ये डाउनलोड नाउ लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या आपको एप्लीकेशन के एडवर्टाइजमेंट की जो अगर लिंक देखनी हो या एडवर्टाइजमेंट देखनी हो तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा और आप अप्लाई भी कर सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप अगर अपना अकाउंट बनाकर व्यू एडवर्टाइजमेंट देखकर पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एडवर्टाइजमेंट देखनी है तो आप यहाँ क्लिक करोगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें एक एडवर्टाइजमेंट दी गई होगी जॉब के बारे में। और जो जॉब के जानकारी हम हमारे पोस्ट में जो बता नहीं सके वो सब आपको इस PDF में मिल जाएंगी और वो आप पढ़कर अप्लाई भी कर सकते हो। तो और आपको इसके अलावा अगर आपको SSC जॉब चाहिए होगा या PSC जॉब चाहिए होगा या डिफेंस जॉब, तो आप ये टैब पे जाकर क्लिक कर सकते हो। यहाँ देखो हमने हाईलाइट किया है ये टैब। या आपको स्टेट वाइज जॉब चाहिए, जैसे कि दिल्ली में, बिहार में, राजस्थान में, जो हम लोग ने हाईलाइट किया है हमने अभी, उस टैब पर आप जाकर क्लिक करोगे तो आप स्टेट वाइज जॉब पा सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के वाइज आपको अगर जॉब चाहिए, जैसे कि 10th, 12th, BA, BCom या लॉ, तो आप ये टैब पे जाके क्लिक कर सकते हो। अगर आपको 10th और 12th जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो नया एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ 10th और 12th की जॉब मिलेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ जॉब वैकेंसीज आपको इस पेज में मिल जाएंगी। आप इनको जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। आपको कोई सुझाव हो, हमें कुछ क्वेरीज पूछनी हो हमसे, तो आप कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले से किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।